बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतलियों के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 से 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 बजे से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, वे कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी का सामान्य परिचय, अध्याय से लाभ हानि नियोजन खाता भाग 3। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे, देखिए, और जिसका नाम है आर्थिक सुधारों के बारे में, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर चर्चा करेंगे, यानी एलपीजी क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना पर डिस्कस किया था कि आजादी की पूर्व संध्या पर भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी उस पर हमने समीक्षा करी थी। चैप्टर नंबर 2 पर हमने डिस्कस करा था भारत की आर्थिक नियोजन के बारे में, किस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। और आज हम चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 1990 के दशक में भारत में कौन कौन से आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए, यानी आज हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में। ये चैप्टर सबसे ज्यादा काम का है, एग्जाम के पॉइंट से इसमें से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहना और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हें नोट करते जाइएगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, यानी एलपीजी। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि आर्थिक नियोजन तो हमने 1 अप्रैल 1951 से कर दिया था, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले भारत के सामने वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसमें हमें परिवर्तन लाने पड़े, आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाने पड़े। तो आज इस पार्ट 1 में सबसे पहले तो 1990 के दशक की परिस्थितियों पर अवलोकन करते हैं। तो भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ कैसे हुआ इस पे बात करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम जो है वो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट में एलपीजी बोलते हैं। बच्चों देखिए, एलपीजी का फुल फॉर्म गैस के लिए भी होता है, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस दर संप्रदत्त गैस, यानी एलपीजी गैस का भी नाम एक, लेकिन यहां एलपीजी इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण से इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यही आपके चैप्टर का नाम है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। देखिए, भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस प्रकार इसका आरंभ हुआ, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, 20वीं सदी के अंतिम दशक की बात कर रहे हैं, 20वीं सदी गुजर रही थी, 21वीं सदी का आगाज था, लेकिन उससे पहले 20वीं सदी का जो अंतिम दशक था, यानी 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिस्थितियां रही, इस पे आज हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, 20वीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर पर गुजर रही थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर पर गुजर रही थी, वो संकट क्या थे ध्यान दीजिएगा, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था, क्योंकि भारत के पास निर्यात कम थे, आयात ज्यादा थे, ऊपर से भारत सरकार ने काफी तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, एफडीआई कम से कम था, और उसी कारण से विदेशी सहयोग हमारे पास कम से कम था। इसी कारण 1990 का जो दशक था उस दौरान भारत की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव थे। आइए इस पे आज हम ध्यान देते हैं। तो पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में मजा आएगा, क्योंकि एलपीजी की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाने पड़े, उसकी शुरुआत हम इसी से करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा,
कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में यानी 1990 से 2000 के बीच में क्या हुआ। अंतिम दशक के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर में गुजर रही थी। उसका कारण क्या था? उस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे। इस भंडार में लगभग $1 अरब यानी लगभग $1 अरब या अपनी बात करें इंडियन करेंसी में तो लगभग 23 करोड़ रुपए ही रह गए थे। यानी भारत के पास मात्र 23 करोड़ रुपए के आसपास रह गए, 23 करोड़ रुपए ही रह चुके थे लगभग अगर हम बात करें। और ऐसी दशा में भारत के पास आयात करने का जो मुद्रा चाहिए थी वो सबसे कम थी, क्योंकि इस राशि से मात्र हम 2 सप्ताह तक का ही आयात कर सकते थे। तो इस तरह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1990 का जो दशक था उस समय हमारी आर्थिक स्थिति काफी पिछड़ गई थी, हमारे पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव था और क्या इसीलिए भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास डगमगा गया था क्योंकि हमारे पास सोर्स कम हो चुके थे, फॉरेन करेंसी का स्टॉक हमारे पास कम था, देश में राजनीतिक अनिश्चितता, देखिए 1990 के दशक में राजनीतिक अनिश्चितता भी रही, पीएम बदलते रहे, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला क्योंकि उस समय वीपी सिंह की सरकार चेंज हुई, चंद्रशेखर जी की सरकार चेंज हुई, बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। तो उस 90 से 92 का जो पीरियड था लगभग 3 साल का जो टाइमिंग था उस दौरान भारत में राजनीतिक घटनाक्रम में भी काफी उथल पुथल हुआ। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, देश में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वर्ष 1991-92 का बजट भी निर्धारित समय में पेश नहीं हो सका। देखिए बजट जो होता है वो आपको वित्त वर्ष कुछ समय पहले पेश करना होता है, आगामी वित्त वर्ष पहले पेश करना होता है, इनफैक्ट फरवरी के महीने में पेश करना होता है। लेकिन उस साल भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, ऊपर से राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बजट भी तय समय पर पेश नहीं हो पाया। तो ध्यान से सुनिएगा, देश में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वर्ष 1991-92 का बजट निर्धारित समय पर पेश नहीं हो पाया, यानी फरवरी 1991 में प्रस्तुत करना था लेकिन नहीं हो पाया। उस दौरान और क्या हुआ, मुद्रास्फीति की दर भी लगभग 17% यानी सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया, यानी उस समय इन्फ्लेशन रेट भी अपने टॉप रिकॉर्ड पे थी, 17% की चरम सीमा में पहुंच गई थी। ध्यान रखिएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना भी समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी थी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पंचवर्षीय योजना का जो हम बात करें इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हो चुकी थी लेकिन हम तय समय पर अगली पंचवर्षीय योजना नहीं ला सके और इस कारण थर्ड प्लानिंग हॉलीडे हो गया, यानी तीसरा योजना अवकाश पड़ गया 1990 से 92 के बीच में। अगर हम बात करें तो 2 साल का गैप पड़ गया और ये कारण था राजनीतिक अस्थिरता, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, फाइनली हमें आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाना पड़ा। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट में समझा कि किस प्रकार वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। LPG का दौर भारत में प्रारंभ हुआ 1991 के बाद, लेकिन उससे पहले की स्थितियों पर हमने जायजा लिया कि उस समय हमारे सामने कौन से विकट कारण थे। आगे हम बात करें विदेशों में भी भारत की साख घटने लगी थी, ये ध्यान रखिएगा। हमारी गुडविल इंडियन फॉरेन में भी गिरने लगी थी क्योंकि हमारे पास लोगों का विश्वास डगमगा गया था। हुआ क्या इसका परिणाम, विदेशों में हमारी साख गिरने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास लोगों का कम होने लगा। फाइनली प्रवासी भारतीय फॉरेनर्स जिन लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, हमारी कंपनियों में पैसा लगा रखा था, वो सब विड्रॉल करने लगे, अपनी राशि निकालने लगे क्योंकि उन्हें इंडियन कंपनी पर, इंडियन इकोनॉमी पर बिलीव नहीं था क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय काफ़ी गंभीर दौर से गुजर रही थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार नहीं थे, हमारा इम्पोर्ट के लिए हमारे पास प्रॉपर रूप से मनी नहीं थी। कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हम अपना विकास नहीं कर पाए, जबकि हमने आर्थिक नियोजन को अपनाया भी था लेकिन हमारी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को झटका भी लगा और हम विकास नहीं कर पाए। तो देखिए कुछ कारण मैंने आपके सामने बताए जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत काम में आएगा। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा साम्यवादी देशों में भी अर्थव्यवस्थाएं बाजार उन्मुख होने लगी, जैसे रूस की बात करें, चीन, चाइना की बात करें, उन कम्युनिस्ट कंट्री में भी अगर हम बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्थाएं बाजार उन्मुख होने लगी, बाजार के प्रति होने लग गई। एक प्रकार से विश्व में बाजारीकरण और निजीकरण का दौर शुरू हुआ, परिणाम स्वरूप उस परिस्थिति के दौर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, दक्षिण एशियाई बैंक, ऐसी वित्तीय संस्थाओं ने उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाने की शर्त हमारे सामने रखी कि जब तक आप अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वैश्वीकरण को नहीं अपनाएंगे हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, किसी प्रकार का लोन नहीं दे सकते। तो इस तरह की स्थितियों के कारण ही हमें अपने आर्थिक नियमों में बदलाव करना पड़ा
और यही कारण था कि हमने एलपीजी अपनाया। तो बच्चों आपने क्या जाना, क्यों एलपीजी हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्या परिस्थितियां थी, इसे क्यों अपनाना पड़ा, ये इसके कुछ कारण आपके सामने मैंने रखे। आइए आगे बात करते हैं। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रा स्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए थे, इसको सारांश में समझा रहा हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार, हमारे पास जो विदेशी विनिमय भंडार होता है वो बहुत कम था, आयात में हमारी वृद्धि होती जा रही थी और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फंड भी नहीं था, और उच्च मुद्रा स्फीति जैसा कि मैंने बताया टॉप रिकॉर्ड पे 17% पहुंच गई थी, तो मनी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ती जा रही थी, दिन पर दिन महंगाई दर बढ़ती जा रही थी, इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही थी कि उस समय हमें एक आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के समाधान हेतु विश्व के तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और जितने भी फॉरेन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनसे हमने जब सहायता मांगी तो उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया, और यही कारण था कि भारत सरकार ने 1991 में अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ा, अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ा। तो इस तरह से आपने समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमें क्यों आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाना पड़ा, क्यों LPG को अपनाना पड़ा, ये लॉजिक जानना जरूरी था, और इस ये पूरी बात आपको मैंने स्लाइड के माध्यम से बताई। अब आइए आगे बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं विश्व स्तर पर वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के कारण भारत सरी के कई राष्ट्र, भारत नहीं, भारत के साथ और भी एशिया के बहुत से कंट्री थे, अफ्रीका के बहुत से कंट्री थे, विकासशील देश और निर्धन राष्ट्रों के सामने अगर बात करें तो वो भी उन शर्तों को मानने लगे, और यही कारण था कि भारत सहित अन्य राष्ट्र भी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के का दौर यानी आर्थिक सुधारों के साथ साथ 1990 के पश्चात तेजी से प्रारंभ हुआ। तो फाइनली आपको समझ में आया कि वो एक ऐसा दौर वर्ल्ड में गुजर रहा था कि उस दौरान बहुत से देशों ने अपने यहाँ पे आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाए, और सभी देशों ने लगभग अगर हम बात करें तो उस दौरान LPG का समर्थन किया, और भारत भी LPG को एक्सेप्ट करना पड़ा, और यही कारण था कि हमें विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए इनको मानना जरूरी था और अपने नियंत्रणों को नीतियों में संशोधन करना जरूरी था। भारत में भी 1991 में अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की नीति से जोड़ने के लिए भारत की आर्थिक नीति में व्यापक परिवर्तन कर आर्थिक सुधार व विभिन्न क्षेत्रों में द्रुतगामी गति से किए गए, जिसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था पर विभिन्न रूपों में सामना करना पड़ा। तो जैसा कि आपने समझ में आया कि विश्व के साथ जुड़ने के लिए, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था के साथ काम करने के लिए हमें भी अपने आर्थिक नियमों में संशोधन करना पड़ा और LPG को एक्सेप्ट करना पड़ा। आगे बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल है LPG। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये हमारे चैप्टर है। तो आपको LPG समझ में आ गया, ये आर्थिक सुधारों का ही परिणाम था। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनके बारे में हम इसको ब्रीफ में अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में समझाना चाहूंगा कि LPG का आशय क्या है। देखिए LPG की बात करें तो उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंध पूर्ण या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना, ये तो कहलाता है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है कि जो भी सार्वजनिक उद्योग थे उनको आंशिक रूप से या पूर्ण फुल्ली रूप से निजी हाथों में सौंपना, उनको प्रबंध संचालन देना, ये निजीकरण कहलाता है। उन्हें छूट प्रदान करना, ये उदारीकरण कहलाता है, यानी नियमों में उदारता प्रदान करना, तथा स्वदेशी व विदेशी निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था के द्वार खोल देना, ध्यान रखिएगा। देखिए पॉइंट को समझिए, सारांश में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों पॉइंट समझना। देखिए बात करें LPG जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल है, L4 लिबरलाइजेशन, P4 प्राइवेटेशन, G4 ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए निजीकरण का मतलब होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं उनके स्वामित्व का या उनका प्रबंध पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजी हाथों में सौंपना, यानी निजी भागीदारी को बढ़ाना, यानी PPP मोड पे काम करना। दूसरा उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा जो कठोर नियम बनाए गए उनमें शिथिलता लाना, उदारता लाना और बहुत से छूट उन्हें प्रदान करना। वही बात करें वैश्वीकरण का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलना, भारत की अर्थव्यवस्था के द्वार विश्व के लिए खोल देना, यानी स्वदेशी व विदेशी निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था के द्वार खोलने से ये वैश्वीकरण कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? कुछ नोट आपके सामने बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान देना है।
देखिए विश्व स्तर पर वैश्वीकरण की नीति में क्रियान्वयन के कारण, देखिए हमने वैश्वीकरण की नीति को क्रियान्वित किया तो भारत में भी नई औद्योगिकी की नीति घोषणा करनी पड़ी। जब हमने देखिए बताना चाहूंगा 24 जुलाई 1991 को हमने भारत की पांचवी औद्योगिक नीति प्रस्तुत करी थी। वैसे भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में पेश की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो हमने औद्योगिक नीति प्रस्तुत करी और वैश्वीकरण के साथ हमने कुछ बदलाव भी किए। भारत में आर्थिक सुधार व उदारीकरण का दौर का प्रारंभ हुआ जुलाई 1991, ध्यान रखिएगा जुलाई 1991 में प्रारंभ हुआ था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। दुनिया के अधिकांश देशों ने उदारीकरण की नीति को स्वीकार कर लिया, मैंने कहा था क्योंकि भारत साथ बहुत से देशों ने इसको एक्सेप्ट किया तथा वे आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल हो गए। तो क्या भारत भी शामिल हुआ? बिल्कुल हुआ। भारत संपूर्ण विश्व को अपने ही कुटुंब के रूप में, देखिए परिवार के रूप में ही देखता है तथा अपेक्षा रखता है कि सभी राष्ट्र सहयोग व प्रेम से रहे, यही भारत की संस्कृति की पहचान भी रही है। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे काम करते हैं। इसलिए भारत वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की दौड़ में शामिल हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भारत ने भी अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपनाया और वैश्वीकरण और उदारीकरण और निजीकरण का हिस्सा बने, एलपीजी के दो हिस्सा बने। नई नीति की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार के उद्योग राज्य मंत्री श्री पीजी कुरियन, ध्यान रखिएगा सही कर लीजिएगा, पीजी कुरियन ने द्वारा संसद में 24 जुलाई 1991 को पेश करी। ये भारत की पांचवी औद्योगिक नीति थी जो कि एलपीजी के मोड पर आधारित थी। तो आपको ये बेसिक बात मैंने बताई, बहुत काम किए। देखिए प्राइवेटेशन, स्टार्टिंग में भारत में प्राइवेटेशन बहुत कम था, बहुत से स्ट्रिक्ट रूल थे। सरकार ने धीरे धीरे आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपनाया और निजीकरण का दौर प्रारंभ किया। जैसे अभी आप देख रहे हो रेलवे का निजीकरण भी हो रहा है, तो सरकार ने बहुत से सेक्टर निजी लोगों के लिए खोल दिए, जबकि स्टार्टिंग में बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिनमें सरकारी कंपनियों का ही स्वामित्व था, सरकार का ही स्वामित्व था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे निजी हाथों में खोल दिए गए। निजीकरण क्या होता है, आइए इस लेक्चर में चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने एक इमेज है प्राइवेटेशन, जो पब्लिक फैक्टर्स था, जो सार्वजनिक कंपनियां थे, उस दीवार को अब तोड़ दिया गया, अब निजी कंपनियों, उद्यमों, व्यापारियों, साहसियों के लिए ये खोल दिया गया। तो एक तरह से निजी प्रवेश द्वार हो चुका है, अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में काम होगा। इसलिए सरकार ने निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए पीपीवी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस दीवार को तोड़ दिया। इस कंसेप्ट से आप ये समझेंगे कि निजीकरण क्या होता है। तो पहले तो मैं निजीकरण के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए निजीकरण का वास्तविक अर्थ तो सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक उद्योगों, सार्वजनिक कंपनियों में का स्वामित्व व प्रबंध निजी हाथों में सौंपना है, यानी साहसियों, कंपनियों, उद्यमियों को मौका देना है। यानी अब सरकार के अलावा निजी लोग भी इस क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं, कंपनियां खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ये नियम थे 1991 से पहले की बात करें तो बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का ही दबदबा रहता था, सरकार ही का ही हिस्सेदारी होती थी, सरकार ही उसमें काम कर सकती थी, लेकिन अब निजी पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि वो जो रूल्स थे, सख्त रूल थे, उन्हें हटा दिए गए और आपके लिए एक रास्ता खोल दिया गया। देखिए निजीकरण को हम कंसेप्ट लिए डिस्कस करते हैं, जैसे कैसे किस तरह का हो सकता है निजीकरण। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व व प्रबंध पूर्ण रूप से या तो पूरा का पूरा या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना, देखिए ये पॉइंट आपको समझना है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। देखिए निजी का मतलब पब्लिक के हाथों में दे देना, आम जनता के हाथों में देना, हम आप और मैं कोई भी व्यापारी कोई भी व्यक्ति अब कर सकता है, जिसे डी नेशनलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये नेशनलाइजेशन होता था, सरकार की भूमिका होती थी, सरकार को ये अधिकार होता था, एकाधिकार होता था, लेकिन अब ये मोनेटाइजेशन खत्म हो चुका है, अब मोनोपोली खत्म हो चुकी है, अब आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं, पीपीपी मोड पर काम कर सकते हैं, जनता अपनी भागीदारी निभा सकती है। तो इस तरह से इसे पूर्ण आंशिक रूप से किया करना भी एक निजीकरण का रूप है। निजीकरण का दूसरा रूप क्या हो सकता है, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी अंश पूंजी का जनता की भागीदारी के लिए, ध्यान रखिएगा मान ली सार्वजनिक उपक्रम है लेकिन उसमें अगर सरकार जनता इन्वेस्टमेंट करती है, उनके शेयर को खरीदती है, अपना मालिक बनती है, उसमें अपनी हिस्सेदारी रखती है, उसका स्वामित्व ग्रहण करती है, तो भी ये भी एक निजीकरण का रूप माना जाएगा। तीसरा निजीकरण का रूप क्या होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सी कंपनी आती है, बहुत से सेक्टर आते हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है, उन आरक्षित सीटों को अगर आरक्षित क्षेत्र को जनता के लिए खोल दे, निजी भागीदारी के लिए खोल दे, तो ये भी एक निजीकरण का रूप माना जाएगा। निजीकरण का और कौन सा रूप हो सकता है, सार्वजनिक उपक्रमों का समापन कर दे, अगर सरकार सार्वजनिक उपक्रम ही बंद कर दे या निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए परमिशन दे दे, तो ये भी निजीकरण का रूप माना जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध व नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंपना या उनका सहयोग बनाना,
उनको हेल्प उनके उनके लिए द्वार खोल देना, यह भी एक निजीकरण का रूप कहलाता है। इस प्रकार निजीकरण का अर्थ केवल सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरी पॉइंट को फिर समझना कि हम ये समझे कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल देना, प्रबंध संचालन में पूर्ण या आंशिक रूप से हिस्सेदारी देना निजीकरण कहलाएगा। निजीकरण अब व्यापक रूप से हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार निजीकरण का अर्थ केवल सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व एवं प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाने वाले समस्त प्रयासों को हम निजीकरण कह सकते हैं, जो कि हमने अभी प्रयास आपके सामने चर्चा करी थी। सरकार को यह भी आशा है कि जब निजीकरण अपनाया जाएगा तो इससे हमारा प्रत्यक्ष विदेशी भंडार यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये एक अच्छा उदाहरण, क्योंकि भारत की कंपनियों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारी उद्योगपतियों के अलावा बहुत सी विदेशी व्यापारी कंपनियां और साहसी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इससे फायदा ये हो रहा है कि FDI बढ़ने की प्रबल संभावना है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वतंत्रता प्रदान करी है कि सार्वजनिक उपक्रम में अब प्रबंधकीय निर्णय में निजी लोग भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो संबंध ऋण इकाइयां है वो खुल सके। देखिए निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से सार्वजनिक उपक्रम बंद हो चुके थे, बहुत सी सरकारी एजेंसियां, कंपनियां, उद्योग ऋण इकाइयों के रूप में चल रहे थे, बीमारी इकाइयों के रूप में चल रहे थे, उनका लॉस चल रहा था, घाटा लग रहा था। इसलिए सरकार उस घाटे को बढ़ने के लिए, निजी लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े रहने के लिए हमने निजीकरण के दौर को अपनाया। और यही कारण था कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्ण बदलाव देखने को मिले, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिली। और यही कारण था कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही, क्योंकि 1992 से जो 1997 का जो टाइमिंग रहा वो एक सबसे गोल्डन पीरियड रहा भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था LPG को अपनाना। तो इस तरह से आपने देखा कि एक टर्निंग पॉइंट रहा 1991 का टाइम, और उसमें भारत की 5वीं औद्योगिक नीति का भी एक सबसे बड़ा अहम योगदान था। तो बच्चों आपने जाना कि किस तरह से LPG के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने जाना कि प्राइवेटेशन क्या है। तो प्राइवेटेशन का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक उपक्रम थे, क्षेत्र थे, उन आरक्षित क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल देना, निजी लोगों के लिए खोल देना निजीकरण कहलाता है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबंधकीय निर्णयों में स्वतंत्रता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी एक निजीकरण का एक रूप है। इसलिए सरकार ने निजीकरण किया, और इसके लिए क्या किया देखिए, आपने देखा बताना चाहूंगा कुछ सार्वजनिक उपक्रम है उनको सरकार ने डिवाइडेशन किया महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न के रूप में, यानी सरकारी कैटेगरी को डिवाइड किया। भारतीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा भारतीय कंपनियों को तीन भागों में डिवाइड किया गया, जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ से सालाना है, जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा है, उनको महारत्न कंपनी में डाला, जिनकी जिनका टर्नओवर कम है उनको नवरत्न कंपनी में डाला, और जिनका टर्नओवर इससे भी कम है तो उनको लघु रत्न में डाला। तो इस तरह से भारतीय कंपनी को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनकी तीन कैटेगरी बनाई गई, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में गति प्रदान हो सके और कंपनियों में होड़ मचे, व्यापार बढ़े, और इस व्यापार और अर्थव्यवस्था व्यापार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिले। ये एक निजीकरण का सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत सरकार का। देखिए बात करते हैं जैसे महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न कौन कौन सी कंपनी है। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पेट्रोलियम का काम करती है, डीजल का काम करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनियों के एग्जाम्पल है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम, ये नवरत्न कंपनी में आती है। और लघु रत्न जो कंपनियां हैं वो भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये छोटी कंपनियों से। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको तीन कैटेगरी में डिवाइडेड किया। तो बच्चों आपने निजीकरण के बारे में सिंपल सा कंसेप्ट ये समझा कि निजीकरण क्या होता है। तो निजीकरण का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जो है, उपक्रम जो है, उनके प्रबंध संचालन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी लोगों को अधिकार देना, सार्वजनिक उपक्रमों में जो आरक्षित उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र के लिए खोल देना, FDI को बढ़ाना, ये निजीकरण के प्रयास थे जिसका फायदा भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे उदारीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। तब तक आप जुड़े रहिए ई विद्या के साथ। धन्यवाद बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी का सामान्य परिचय अध्याय से लाभानी
नियोजन खाता भाग तीन। प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 12 लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी सामान्य परिचय को अध्यापन करवा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से पहले दो वीडियो हमने देखे जहाँ साझेदारी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने जाना साझेदारों की पूंजी खाते रखने की कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से खाते का प्रारूप हमने जाने। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अब हम जानेंगे लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, कैसे इसका प्रारूप तैयार किया जाता है, और साथ ही हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न जहां हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है साझेदारों का लाभ और हानि। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ और उठा लीजिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि आज इस प्रश्न, इस वीडियो में हम आपके आंकिक प्रश्न एग्जाम्पल्स का भी समावेश लेकर आए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड, लाभ हानि नियोजन खाता। प्यारे बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, इसका प्रारूप आपके सामने है। साझेदारों के संबंधित व्यवहारों को दर्ज करने के लिए देखिए, कोई भी साझेदारी संस्था अंतिम खाते तैयार करती है तो अंतिम खातों में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है लाभ हानि नियोजन खाते का, क्योंकि साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं उन्हें दर्ज करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। इस खाते का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि एक खाता साझेदारों से संबंधित व्यवहारों को दर्ज करने के लिए तैयार किया जाता है। ये खाता हमें लाभ हानि खाते के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्राप्त शुद्ध लाभ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होगा, उस शुद्ध लाभ से बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। आप देख सकते हैं इसके क्रेडिट साइड में बाई पीएनएल यानी नेट प्रॉफिट को सबसे पहले दिखाया जाता है, जो कि शुद्ध लाभ होता है लाभ हानि खाते से प्राप्त। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आपको व्यवसाय में लॉस हो जाए, हानि हो जाए, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस को भी इसमें दिखाया जाता है। प्रॉफिट होने पर उसे बाय साइड में और लॉस होने पर उसे डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इस खाते के अंदर साझेदारों से संबंधित व्यवहार को ही लिखा जाता है, इसलिए साझेदारों से संबंधित पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को प्राप्त सैलरी, साझेदारों को प्राप्त कमीशन तथा साथ ही साथ साझेदारों से वसूल किया गया आरएन पर ब्याज भी इस खाते में हम प्रदर्शित करते हैं। साझेदारों के लिए जो आय है, फर्म के लिए खर्चा है, उन्हें डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है तथा साझेदारों के लिए जो हानि है और फर्म के लिए जो आय है उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसके बाद यदि आप चाहें तो व्यवसाय के लाभों का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अगर संचित करना चाहते हैं तो उसे रिजर्व में ट्रांसफर करके टू रिजर्व के नाम से प्रदर्शित कर दिया जाता है। बाद में हम इस खाते का बैलेंस निकालते हैं और यदि बैलेंस डेबिट साइड में कम आए तो उसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट के नाम से, तथा क्रेडिट साइड में कम आए तो बाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस के नाम से साझेदारों को निश्चित अनुपात में भाग दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा साझेदारों का लाभ हानि नियोजन खाता, जहां साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद, किसी मद को चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग, प्यारे बच्चों ऐसा भी प्रश्न आपकी पुस्तकों में आने वाला है जहां लिखा होगा कि आफ्टर चार्जिंग आपका प्रॉफिट कितना है, लाभ दिया हो तो उस मद का लाभ हानि नियोजन खाते में लेखा नहीं करते, साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में उसका लेखा किया जाता है। आफ्टर चार्जिंग अगर आपका कोई व्यवहार है तो आपको आफ्टर चार्जिंग लाभ दिया हुआ है तो उस व्यवहार को लाभ हानि खाते में दिखाते नहीं है। यदि किसी प्रश्न में मद को चार्ज करने से पूर्व बिफोर चार्जिंग लाभ दिए गए हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते, पूंजी खाते और चालू खाते में भी किया
जाता है। आफ्टर चार्जिंग से संबंधित यदि कोई मद है तो उस मद को चालू खाते और पूंजी खाते में दिखाया जाता है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता। लेकिन बिफोर चार्जिंग अगर कोई मद है तो जो सभी खातों में उसका लेखा किया जाता है। निम्न मदे लाभों पर प्रभाव, पहले बच्चों आप इस पर स्टार लगा लें क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लाभों पर प्रभाव। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाभों पर प्रभाव किन मदों को माना जाता है, तो लाभों पर प्रभाव मानी जाती है इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। यानी जो मदे लाभों पर प्रभार मानी जाती है उन मदों का लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, उस भवन का किराया जिसमें व्यापार का संचालन हो रहा है, ये तीनों चीजें हमारे लिए लाभों पर प्रभार माने जाने वाली मदे हैं, जिनका लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में ना करके लाभ हानि खाते में किया जाना है। यदि लेखे स्थिर पूंजी विधि से बनाए जाते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा था स्थिर पूंजी विधि, परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि दो खाते, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। परिवर्तनशील पूंजी विधि एक खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यदि लेखे स्थिर पूंजी विधि से बनाया जाता है तो सभी लेखों का, सभी मदों का लेखा चालू खाते के माध्यम से किया जाएगा, एंड सभी व्यवहारों को हम चालू खाते में लेकर चले जाएंगे। आगे अब हम इसकी कुछ प्रविष्टियों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पूंजी पर ब्याज के लिए प्रविष्टि करने को बोला गया है। यानी साझेदारों को यदि उनकी पूंजी पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो क्या प्रविष्टि करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों को उनकी पूंजी पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वह इनके लिए इनकम है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्याज की रकम को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जब इसे लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर किया जाएगा तो लाभ हानि नियोजन खाते में इसे ट्रांसफर करने के लिए आप जर्नल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहें तो इन दोनों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग प्रविष्टि करने की जगह आप एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं। और वो प्रविष्टि क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से आपके पार्टनर हैं जिनको आपने पूंजी पर ब्याज दिया है? तो इस तरीके से दो प्रविष्टियों की जगह आप एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं। आगे चले, आरण पर ब्याज के लिए आपको क्या प्रविष्टि करनी होगी? आरण पर ब्याज के लिए जो आप प्रविष्टि करेंगे वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ईआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आरण पर ब्याज साझेदारों के लिए खर्च है, इसलिए यहाँ साझेदारों के पूंजी खातों को हम डीआर कर देंगे। आगे चलें, आगे अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है लाभ हानि नियोजन खाते में आरण पर ब्याज को ट्रांसफर करने पर, तो यहाँ प्रविष्टि होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। उपरोक्त दो प्रविष्टियों की जगह आप एक प्रविष्टि कर सकते हैं। जैसे कि पूंजी पर ब्याज के लिए आपने दो प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि की, उसी प्रकार आरएन पर ब्याज के लिए भी आप दो प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि कर सकते हैं। प्रविष्टि होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को हम डीआर करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम सीआर कर देंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो साझेदारों के वेतन कमीशन के लिए क्या प्रविष्टि होगी? तो साझेदारों के वेतन और कमीशन के लिए जो प्रविष्टि होगी वो होगी पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट ईआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी साझेदारों के लिए इनकम है, इसलिए हम इसे भी क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल को सीआर कर देंगे। बाद में वेतन व कमीशन को लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करना, जैसे कि हमने पूंजी पर ब्याज और आरएन पर ब्याज को ट्रांसफर किया, वैसे ही तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और टू पार्टनर्स कमीशन। यानी सैलरी और कमीशन को हमने लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर किया। आगे बात करूं तो संचय में हस्तांतरण, हम हमारे कुछ हिस्से के लाभ को भविष्य के लिए संचित करना चाहते हैं। हम भविष्य में होने वाले लाभ हानि के लिए हमारे कुछ लाभ को
ट्रांसफर करना चाहते हैं तो संचय में ट्रांसफर, रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए आपकी जर्नल बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और रिजर्व अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। आगे चलें, आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था व्यवसाय का जो अंतिम है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में आपको परिणाम प्राप्त होगा और ये परिणाम लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष से मिलेगा। अगर डेबिट पक्ष में कम है तो शुद्ध लाभ और अगर कम हानि है क्रेडिट साइड में तो हानि। इसके लिए आप प्रविष्टियां करेंगे, लाभ होने की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हानि की स्थिति में ये एंट्री जस्ट उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, ये लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित सभी प्रविष्टियां थी। यह एक नोट आपके लिए लिखा हुआ है कि यदि स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग अगर आप करते हैं, यदि आप स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करते हैं तो पूंजी खाते जहां जहां भी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया है, जहां जहां भी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया है उसकी जगह पर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट चालू खाते का प्रयोग करेंगे। जब स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रविष्टियों में कैपिटल की जगह करंट अकाउंट वर्ड का यूज किया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दो भी करवाने वाला हूं, तो देखते हैं। पहले एग्जाम्पल, आप फटाफट से अपनी किताब पाठ्य पुस्तक ओपन कीजिए और उसका पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है जिसे आप देख पाएंगे। प्रश्न है, अजय तथा विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। अजय और विजय दो साझेदार हैं जिन्होंने व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी 2 लाख तथा 3 लाख रुपए थी। जो दोनों साझेदार है उन दोनों साझेदार की प्राइमरी पूंजी 2 लाख और 3 लाख रुपए है। प्रश्न में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, साझेदारों को पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। हमारे जो साझेदार हैं उन्हें 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। साथ ही लिखा हुआ है कि अजय को 2000 रुपए प्रति माह, एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 से गुणा करेंगे, तब विजय को 36,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अजय और विजय दोनों को वेतन दिया जाना है। आगे हम पढ़े तो लिखा हुआ है कि लाभ हानि, आगे लिखा हुआ है आरएन पर ब्याज अजय से 2000 तथा विजय से 3000 रुपए वसूल किया जाएगा। इन दोनों से आरएन पर ब्याज वसूल किया जाना है। लाभ हानि अनुपात 3:2 दिए हुए, उनके आरएन 30,000 और 40,000, दोनों साझेदारों के आरण आपको 30,000 और 40,000 के दिए हुए। साथ ही कहा गया है कि फर्म का लाभ जो है वो लाभ कितना है, 2,45,000, फर्म को 2,45,000 रुपए का लाभ भी हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है, तो शुरू करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। प्यारे बच्चों, ये आपके लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप है। मैंने आपको सबसे पहले बताया, आप इसमें सबसे पहले दिखाते हैं नेट प्रॉफिट, और आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट आपको 2,45,000 रुपये दिया हुआ है। तो हम इसे 2,45,000 का शुद्ध लाभ जो हमें लाभ हानि खाते से प्राप्त हुआ उसे हम प्रदर्शित कर देंगे। प्रश्न को यदि हम पढ़ें तो प्रश्न में हमारा जो पहला बिंदु है वह कहता है कि साझेदारों की उनकी पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं पूंजी पर ब्याज देने की बात करूं तो हम जो पूंजी पर ब्याज निकालेंगे वो पूंजी पर ब्याज इनकी पूंजी शेष पर होगा। इनकी पूंजी की अगर मैं बात करूं तो इनकी पूंजी कितनी कितनी है, पूंजी की अगर मैं बात करूं तो पूंजी में दिए 2 लाख और 3 लाख, जिसका कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो सबसे पहले हम अजय की बात करते हैं। अजय ने क्या किया, 2 लाख का 10% विजय की बात करें तो विजय का कितना दिया हुआ है, 3 लाख का 10%। ये दोनों इन साझेदारों की पूंजी का ब्याज है, और आपको मैं बता चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड में दिखा देते हैं। अजय और विजय, पूंजी पर आया ब्याज 20,000 और 30,000, टोटल लगाऊंगा 50,000। तो साझेदारों के उनके पूंजी पर ब्याज का जो पहला बिंदु था हमने पूरा किया। आगे चले, दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था इनके वेतन से संबंधित, इनको दिया जाना है वेतन। और प्यारे बच्चों आपको पता है वेतन भी कहाँ आएगा, डेबिट में, टू सैलरी। किस किस को देनी है, अजय को और विजय को। आप देख रहे होंगे बच्चों जो सैलरी देनी है उस सैलरी के लिए अजय जो भैया है उनके लिए लिखा हुआ है अजय को देनी है कितनी, 2,000 रुपए प्रति माह। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कितने रुपए का हमें पेमेंट करना है, 24,000 रुपए का। तो 24,000 रुपए का वेतन हो जाएगा अजय का। और 36,000 रुपए का जो वेतन है वो प्रश्न में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वार्षिक विजय का। टोटल हो जाएंगे 60,000। आगे बात करें तो प्रश्न का जो तीसरा बिंदु है वो तीसरा बिंदु हमें कहता है कि उनको आरएन पर ब्याज वसूल किया जाएगा 2,000 और 3,000 रुपए। और बच्चों आप जानते हैं आरएन पर ब्याज क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अजय और विजय 2,000 और 3,000 यानी कि 5,000। प्यारे बच्चों आपने प्रश्न को ध्यान से देखा और प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद आपने उनकी पूंजी पर ब्याज, वेतन और आरएन पर ब्याज दिखाया। इसके अलावा प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, इसके अलावा प्रश्न में आपको आरएन दिए हुए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आरएन लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आते हैं, पूंजी भी लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आती है, केवल आरएन पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते में दिखाया, लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। तो तैयार हो चुका आपका लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम इसका टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के हम देखेंगे कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जिसे किस किस में बांट दिया जाएगा, अजय और विजय में। अगर हम देखें तो इस साइड का टोटल हो रहा है वो है 2,50,000। 2,50,000 के टोटल में से हमने 1,10,000 का माइनस किया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,40,000। 1,40,000 के प्रॉफिट को हम बांट देंगे, क्या अनुपात दिया हुआ है, प्रॉफिट अजय और विजय में, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,40,000, जिसे किस अनुपात में बांटना है प्यारे बच्चों, 3:2। 1,40,000 × 2/5, 3:2, 3 और 2, और अनुपातों का योग 5। इसे अगर हम बांटेंगे तो आएगा हमारे पास 5×5, 5×2 = 10, 5×8 = 40, 84,000 और 56,000, और टोटल हम लगा देंगे 2,50,000। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया। इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट को दिखाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाकर हमने अंतिम शेष ज्ञात किया जो कि प्रॉफिट के रूप में 3:2 में बांट दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है के और आर दो साझेदार हैं, 3:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। आगे लिखा हुआ है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, आरएन पर 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। प्यारे बच्चों आपकी बुक में इस 5% के आगे वार्षिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो प्यारे बच्चों उस वार्षिक शब्द को आप कट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मिसप्रिंट है।
तो पूंजी पर 10% वार्षिक दर से, आरएल पर 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। व्यापार को संचालन करने के लिए के को 5,000 रुपए प्रति माह यानी एक माह का वेतन 5,000 वर्ष में महीने 12 से गुणा करके ज्ञात करेंगे। साथ ही कुछ सूचनाएं आपको दी गई है। क्या सूचनाएं हैं? के की पूंजी है 2,00,000, आर की पूंजी 1,20,000, के और आर की पूंजी आपको दी हुई है। इनके चालू खाते का शेष के का 12,000 और आर के चालू खाते का शेष 4,000 रुपए आपको दिया हुआ है। देखिए इसके चालू खाते के शेष का CR लिखा है और इसके चालू खाते के शेष का DR, यानी जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा जबकि ये वाला डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। आगे बात करूं, 1 अक्टूबर को अतिरिक्त पूंजी 80,000 रुपए लगाई गई। वर्ष के दौरान 20,000 के आरण के ने और 20,000 रुपए के आरण आर के द्वारा किए गए। आपको 1,34,000 रुपए लाभ के रूप में दिए गए। आपको इसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है और बनानी है प्रविष्टियां। तो चलो बच्चों करते हैं हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको ज्ञात है, लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले दिखाया जाता है बाय नेट प्रॉफिट। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें और पता लगाएं कितना है नेट प्रॉफिट। तो प्रश्न को हमने ध्यान से देखा तो हमने पाया कि हमें प्रश्न में 1,34,000 रुपए का शुद्ध लाभ दिया हुआ है। आगे बात करें तो प्रश्न में सबसे पहला पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि हमें उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक दर से देना है ब्याज। तो हम यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? के और आर। और हम निकालते हैं उनकी पूंजी पर ब्याज। सवाल को ध्यान से देखूं तो मैंने पाया इनकी पूंजी कितनी है 2,00,000 और 1,20,000। तो के की बात करूं 2,00,000 का 10% 20,000, आर 1,20,000 का 10% 12,000। प्यारे बच्चों, मैंने इनकी पूंजी जिनकी प्रारंभिक पूंजी है 2,00,000 तथा 1,20,000, 2,00,000 तथा 1,20,000 का 10% ब्याज ज्ञात किया। प्रश्न को मैंने ध्यान से पढ़ा तो पाया प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी भी लगाई गई है और पूंजी कितनी है 80,000 रुपए। ये पूंजी किसके द्वारा लगाई गई है? के द्वारा 1 अक्टूबर को। तो इस पर भी हम ब्याज निकालेंगे। के ने 80,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई 10% की दर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए। ये हो जाएगा आपका 4,000। यानी के पूंजी पर ब्याज की बात करूं तो बनता है 24,000 और आर का 12,000। प्यारे बच्चों, यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उस अतिरिक्त पूंजी पर भी आपको ब्याज की गणना करनी होगी, जितने महीने के लिए पूंजी लगाई जाए उसी हिसाब से। तो आप लिख देंगे 24,000, 12,000, 36,000। आगे सवाल को पढ़ा तो मैंने पाया आर ऋण पर 5% की दर से ब्याज देना है। आर ऋण पर 8 किस किस के लेने के और आर के। ध्यान से हम देखेंगे आरण जो है इनके वो 20,000 और 20,000 रुपए, दोनों के आरण 20,000 है और ब्याज की दर है वो 5%। यहाँ पर वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, आरण पर ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, तो हम जो ब्याज देते हैं वो ब्याज देते हैं 12 महीने का। इसलिए 20,000 गुणा
पांच बटे सौ, 20,000 गुणा पांच बटे सौ, 1,000, 1,000। मैं आपको नोट करके लिख सकता हूं, आप नोट करके लिख लें, वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं होने पर, वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं होने पर बारह माह का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। अगर आपको प्रश्न में वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो आप 12 महीने का ब्याज ज्ञात करेंगे जो कि आया 1,000। हम दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के आर 1,000, 1,000, 2,000। क्लियर है बच्चों? आगे हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि एको 5,000 रुपये प्रतिमा वेतन, यानी दी जानी उसे सैलरी, टू सैलरी किसको, केको 5,000 रुपये प्रतिमा, और एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 पंजे 60,000, यानी उसे 60,000 रुपये वेतन से दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्न में चालू खाते का शेष दिया हुआ है जो कि चालू खाते बनाने पर काम आता है, और कोई सूचना नहीं है तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, टोटल लगाएंगे, यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,36,000, 1,36,000 में से 96,000 माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट 1,36,000 में से 96,000 को माइनस करते हैं तो आता है 40,000। प्यारे बच्चों 40,000 का प्रॉफिट आपको यहां लिखना है, टू प्रॉफिट 40,000 जो बांटा जाएगा के और आर में, के और आर का जो अनुपात है वह 3:2, यानी इस प्रॉफिट को के और आर में बांट दिया जाएगा, 40,000 गुणा 3/5, 40,000 गुणा 2/5, 24,000 और 16,000। तो प्यारे बच्चों आप देख पाएंगे हम जो 24,000 और 16,000 के रूप में उस 40,000 को बांट देंगे और टोटल हो जाएगा 1,36,000। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने पढ़ा लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में और देखा पहला और दूसरा एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाते से किस प्रकार खाते तैयार किए जाते हैं वो भी हमने देखे। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, वे कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी का सामान्य परिचय अध्याय से लाभ हानि नियोजन खाता भाग 3। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विषय में लेखांकन एक परिचय भाग 2, वे कक्षा 12 में इतिहास विषय में सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.sikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 31-30-01।